बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में अग्निपथ के खिलाफ विपक्ष का हंगामा लगातार चौथे दिन बुधवार को भी जारी रहा। राजद सहित सभी विपक्षी दलों के सदस्य बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के चैम्बर के बाहर धरना पर बैठ गए। विपक्षी सदस्यों ने सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध जताते हुए केंद्र और राज्य की NDA सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताते हुए कहा कि अग्निपथ के नाम पर मोदी सरकार देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। अग्निपथ से ऐसी नौकरी मिलेगी जिसमें शादी के समय लड़का सेवानिवृत्त हो जाएगा, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मोदी सरकार देश के जवान, किसान, सभी का भविष्य बर्बाद कर रही है, इसलिए इस योजना को वापस लेने की मांग और सदन चलाने के तानाशाही रवैये के खिलाफ विपक्ष के सदस्य विरोध जता रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि मनमानी ढंग से सदन चला रहे, पूरा विपक्ष जो है सब विरोध में है, महागठबंधन पूरा विरोध में है अग्निपथ वापस लेने के लिए। इसके लेकर देखिए हमारे पूरे जो है सो विधायक सभी दल के महागठबंधन के आज अध्यक्ष जी के चैम्बर के सामने बैठे हुए हैं और हम लोग विरोध जताते हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। आज जिसका शादी के टाइम में जो लड़का आज बहाली होगा, शादी के टाइम में वो रिटायर हो जाएगा। बोलिए, यही व्यवस्था है नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के युवा, नौजवान, किसान सभी को बर्बाद कर रहे हैं। इसके लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग सभी विपक्षी पार्टी के विधायक हैं? सभी विपक्षी पार्टी के विधायक। आखिरकार आप लोग इतना विरोध क्यों अग्निपथ को लेकर कर रहे हैं? विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि पूरे देश को बेच दिया, किसान को बर्बाद कर दिया, नौजवान को बर्बाद कर दिया। जो लाल बहादुर शास्त्री जी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी, जो सपना देखे, आज आप लोग सदन की कार्रवाई नहीं चले सदन में हम लोग नहीं जाएंगे, विरोध दर्ज करेंगे उनके चैम्बर के सामने। मनमाना नहीं चलेगा।